करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो हमेशा से विवादों में घिरी रही है। ये एक्ट्रेस है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट का आज कोई एक्टिंग के लिए नाम जाने ना जाने, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सीज के लिए इसे हमेशा याद किया जाएगा। पूजा का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1972 को मुंबई में। पूजा के पिता इंडस्ट्री के जाने माने फिल्मकार हैं, महेश भट्ट। पूजा का एक भाई है जिसका नाम है राहुल भट्ट। फिल्म मेकर धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, मिनल नूथरिया, मोहित सूरी, ये सब इसके रिश्तेदार हैं। इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी भी पूजा भट्ट के रिलेटिव हैं। पूजा भट्ट गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाई। इसका फादर महेश भट्ट बेचारा बहुत गरीब था तब, इसे स्कूल नहीं भेज पाया, जिसके कारण पूजा ने सिर्फ क्लास 3 तक की पढ़ाई की है। क्लास 3 के बाद इसको मास्टर डिग्री दे दी गई कि आप अब घर पर आराम करें, क्योंकि ये मैडम महेश भट्ट की औलाद है, शुरू से ही एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती थी। यही कारण था कि 12 वर्ष की एज में ही पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ फिल्म के सेट पर रेगुलर जाने लगी थी। पूजा जब 17 साल की हुई तो महेश भट्ट ने इसे फिल्म डैडी से लॉन्च किया। फिल्म में पूजा के काम की तारीफ हुई। इसके बाद 1951 में दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट को फिर से बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया आमिर खान के साथ, जो फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। पूजा का पहला अफेयर शुरू हुआ था राहुल राय के साथ, जिसके साथ पूजा ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था फिर तेरी कहानी याद आई। राहुल राय उस समय नया नया स्टार बना था, लड़कियों का उस पर बहुत क्रश था। यही कारण था कि पूजा भी राहुल राय के प्यार में पागल हो गई। महेश भट्ट को जब इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो कहा जाता है कि महेश भट्ट ने पूजा पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। लेकिन पाबंदी के बाद भी जब पूजा और राहुल राय का रिश्ता नहीं टूटा तो महेश भट्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके राहुल राय का करियर बर्बाद कर दिया। इधर राहुल राय का करियर ढलान पर आया तो उधर पूजा भट्ट ने उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया। राहुल राय से रिश्ता टूटने के बाद पूजा की नजदीकियों की चर्चा हुई मिथुन चक्रवर्ती के साथ। दरअसल मिथुन और पूजा भट्ट ने एक फिल्म में साथ में काम किया था, फिल्म का नाम था तड़ी पार। इसी फिल्म के दौरान मिथुन और पूजा के बीच संबंधों की चर्चा होनी शुरू हो गई थी। हालांकि मिथुन उस समय शादीशुदा था और महेश ने इसी बात का फायदा उठाकर इन दोनों का रिश्ता भी तोड़वा दिया। दरअसल महेश भट्ट को जब पता चला कि मिथुन और पूजा के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है तो महेश ने मिथुन की वाइफ योगिता बाली से गुपचुप मुलाकात की और उसे मिथुन और पूजा के रिश्ते के बारे में बता दिया। इसके बाद मिथुन की वाइफ ने मिथुन की नाक में नकेल डाली तो पूजा का मिथुन संग रिश्ता टूट गया। महेश भट्ट कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी बेटी का किसी और के साथ रिश्ता बने, इसीलिए जब भी पूजा किसी से रिश्ता बनाती तो महेश भट्ट तिकड़मबाजी करके दोनों का रिश्ता तोड़वा देता। इधर बात अगर पूजा के करियर की जाए तो पूजा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में तो दी, लेकिन ये साल में 2 साल में एक ही बार आती थी। सड़क, जानम, जुनून, सर, चाहत, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो पूजा की एक्टिंग के लिए आज भी जानी जाती हैं। मिथुन से रिश्ते के बाद पूजा की लाइफ में आया आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली के साथ पूजा की लव लाइफ उस दौर में काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी, लेकिन इसके बाद पूजा के साथ एक ऐसा विवाद जुड़ा कि पूरे देश में हंगामा मच गया। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक लिप लॉक किसिंग सीन दिया। ये किस आज तक सबसे ज्यादा घटिया किस माना जाता है, क्योंकि ये एक बाप और बेटी के बीच में हुआ था। इस किस के बाद सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लोग महेश भट्ट और पूजा भट्ट की आलोचना करने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ महेश और पूजा को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा एक बार मीडिया ने जब महेश से इस किस के बारे में पूछा तो बेशर्मी से महेश ने जवाब दिया, इस किस में बुराई क्या थी? महेश ने आगे कहा कि पूजा अगर उसकी बेटी नहीं होती तो वो उससे शादी कर लेता। इसके कई साल बाद तक मीडिया में यही चर्चा होती थी कि पूजा भट्ट महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में है। एक बाप और बेटी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और किसी ने भी इन दोनों के खिलाफ न आवाज उठाई, न बॉलीवुड में किसी ने इन दोनों को बॉयकॉट किया। उल्टा महेश और पूजा भट्ट को इंडस्ट्री में आज भी इज्जतदार लोगों में गिना जाता है। इसके कई साल बाद पूजा का नाम जुड़ा बॉबी देओल के साथ। बॉबी और पूजा एक साथ कई फिल्मी पार्टीज में दिखाई देने लगे थे, कई इवेंट्स में दिखाई देने लगे थे। कहा तो ये भी जाता है कि पूजा बॉबी देओल के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उस समय बॉबी देओल की किस्मत अच्छी थी जो उसने अपना सारा ध्यान पूजा से हटाकर अपने करियर पर दिया, क्योंकि उस समय बॉबी देओल का करियर अच्छा चल रहा था। बॉबी की तरफ से ज्यादा अटेंशन ना मिलती थी, पूजा भी इस रिश्ते से पीछे हटती चली गई और इस तरह इन दोनों का रिलेशन टूट गया। वही बात अगर करियर की जाए तो महेश भट्ट ने पूजा को अपनी बेटी नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था। पूजा सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करती जिसे महेश भट्ट बनाता या जिसमें महेश भट्ट प्रोड्यूसर होता या डायरेक्टर होता। हालांकि कुछ फिल्में पूजा भट्ट ने बाहर के बैनर की भी की हैं, लेकिन अपने पूरे करियर में 90% फिल्में उसने अपने पिता महेश भट्ट की हैं। 1997-1998 के बाद पूजा का करियर ढलान पर जाने लगा था। 98 में कभी न कभी, अंगारे और जख्म जैसी फिल्में तो दी, लेकिन सारी के सारी फ्लॉप। इनमें से जख्म मूवी जो थी वो हिट थी, लेकिन इसमें पूजा का रोल सपोर्टिंग रोल था, बहुत छोटा रोल था, वो लीड रोल में नहीं थी।
बॉबी देओल के बाद पूजा का नाम जुड़ा रणवीर शौरी के साथ। पूजा और रणवीर का रिलेशन कई सालों तक चला था, लेकिन इन दोनों के रिलेशन में सबसे ज्यादा चर्चा प्यार की नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े की होती थी। इस रिलेशन का एंड भी बहुत ज्यादा विवादों में रहा था। दरअसल पूजा ने अपने ब्रेकअप के दौरान रणवीर शौरी पर आरोप लगाया था कि रणवीर शराब पीकर उसकी पिटाई करता था। दूसरी तरफ रणवीर ने भी पूजा पर आरोप लगाया कि पूजा उसे धमकियां देती थी और अंडरवर्ल्ड के नाम से डराती थी। इन दोनों की लड़ाई और ब्रेकअप उस दौरान मीडिया की सुर्खियां बना रहता था। रणवीर से ब्रेकअप के बाद पूजा की लाइफ में आया फरदीन खान उस दौरान काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता था। इसके साथ ही उसका करियर भी ठीक ठाक चल रहा था। दोनों का नाम लगभग 2 साल तक चर्चाओं में रहा, लेकिन 2 साल के बाद इन दोनों का रिश्ता भी बिना किसी विवाद के खत्म हो गया। साल 2002-2003 तक पूजा का एक्टिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पूजा ने 98 में जख्म मूवी में आखिरी बार काम किया था 2003 तक। इसके बाद 2003 में पूजा पहली बार डायरेक्टर बनी। फिल्म का नाम था पाप, फिल्म फ्लॉप हो गई और एज अ डायरेक्टर भी पूजा नहीं चल पाई। वैसे 97 से ही पूजा ने प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। एज अ प्रोड्यूसर पूजा की पहली फिल्म थी तमन्ना, जिसमें एक्टिंग भी इसने खुद की थी। फरदीन खान के बाद पूजा की जिंदगी में एंट्री हुई मनीष मखीजा की। मनीष एक वीजे है और रेस्टोरेंट का मालिक है। पूजा और मनीष की मुलाकात हुई और 2 महीने के प्यार में ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। फाइनली 2003 में पूजा और मनीष ने शादी कर ली। 2003 में दोनों ने शादी की और 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया। यानी 11 साल बाद पूजा अपने पति से अलग हो गई। 11 साल बाद पूजा और मनीष जब अलग हुए तो दोनों की कोई संतान नहीं हुई थी। पूजा ने हालांकि शादी टूटने का कोई सटीक कारण तो मीडिया में कभी नहीं बताया, लेकिन बीच बीच में वो ट्विटर पर इशारा जरूर करती थी कि पूजा शादी के बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहती थी। पूजा ने शादी टूटने के कुछ दिन बाद ही एक ट्वीट किया था जिसमें पूजा ने लिखा था कि अब वो जिंदगी खुलकर अपनी शर्तों के आधार पर जी सकती है, अब उसे दूसरों की शर्तों पर जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। इस ट्वीट को महेश भट्ट ने रीट्वीट किया और साथ में वेल्डन लिखा। उस समय भी लोगों ने महेश भट्ट को काफी ज्यादा ट्रोल किया था कि किस तरह का बाप है जो बेटी की शादी टूटने पर वेल्डन लिख रहा है। पूजा ने अपने पूरे करियर में सिर्फ 30 फिल्मों में एक्टिंग की है, जिसमें से लगभग 24 फिल्में खुद महेश भट्ट के बैनर की फिल्में थीं। यानी पूजा ने अपने करियर में 6 या 7 फिल्में ही ऐसी की जो बाहर के बैनर की फिल्में थीं। शादी के बाद भी पूजा भट्ट का नाम सोहेल खान के साथ जुड़ चुका है। हालांकि सोहेल खान के साथ पूजा का अफेयर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला था। पूजा और सोहेल का रिश्ता उसी तरह खामोशी में खत्म हो गया जिस तरह शुरू हुआ था। पूजा की अगर पूरे करियर की बात की जाए तो पूजा का करियर सिर्फ विवादों में ही गुजरा है। महेश भट्ट ने जिस तरह पूजा के करियर को सिर्फ अपने बैनर तक सीमित कर दिया था, उससे कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि महेश भट्ट पूजा पर एक पिता से अलग भी अपना हक जताता था। महेश भट्ट ने जिस तरह शुरू में पूजा भट्ट के रिलेशन को तोड़वाया वो भी काफी हैरान करने वाला था। महेश भट्ट और पूजा का रिश्ता हमेशा शक के घेरे में रहा है और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि दोनों बाप बेटे ने लोगों की इस गलतफहमी को दूर करने की कभी भी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि ये अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। वैसे महेश खुद भी यही चाहता था कि इन दोनों बाप बेटी का ये जो नाजायज रिश्ता है वो दुनिया की नजरों में आए। यही कारण था कि दोनों बाप बेटी ने मैगजीन के लिए खुलेआम किसिंग पोज दिया था। और यहाँ पर सिर्फ महेश भट्ट को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक इंसान के दिल दिमाग में अगर गंदे विचार आ भी रहे हैं तो दूसरा उसे रोक सकता है, दूसरा उसे समझा सकता है। पूजा भट्ट ने अपने पिता के गंदे विचारों में न सिर्फ साथ दिया बल्कि एक गंदे और बेशर्मी वाले रिश्ते को जन्म दिया। लाखों करोड़ों लोग आज भी अपना आइडल मानते हैं इन्हें। 4 मिलियन से ज्यादा लोग महेश भट्ट को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, 4 लाख से ज्यादा पूजा भट्ट को। ये लाखों करोड़ों लोग क्या सीखेंगे इनसे दोस्तों, कि बाप और बेटे इस तरह का गंदा काम कर सकते हैं। मैच्योर लोगों पर इन बॉलीवुडिया भांडों का शायद कोई असर ना हो, लेकिन जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो इन लोगों को फॉलो करते हैं, इनसे सीखते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। आज जरूरत है हमें आने वाली नस्लों को सही रास्ता दिखाने की। हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनिए और इस मुहिम को मजबूत बनाइए। पूजा भट्ट और महेश भट्ट के इस रिश्ते पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट में इस बाप बेटी के रिश्ते को लेकर अपनी राय अपनी बात जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।